अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लखनवी किचन। आज हम ये खीर बनाने जा रहे हैं, खोए वाली, जिसके लिए हमने ये 1.25 लीटर दूध लिया था। इसको पका के 1 लीटर कर दिया है। आधा कप ये चावल लिए हमने, इसको जो टूटे हुए चावल होते हैं बासमती वो लिए हैं आधा कप। इसको भिगो दिया 4-5 घंटे के लिए और छान के रख लिया है। ये 1 कप हमने शक्कर ली है, अगर थोड़ी कम यूज़ होगी तो हम थोड़ी सी बचा लेंगे। फिलहाल 1 कप ली हमने। 2-3 चुटकी ज़ाफ़रान को हमने दूध में भिगो दिया था। ये 1 कटोरी हमने खोया लिया हुआ है, फ्रेश खोया है ये। थोड़े से बादाम लिए हैं बारीक कटे हुए, और ये काजू हैं इसको भी हमने बारीक काट लिया है। पिस्ता इसको भी बारीक काट लिया है। ये 8-10 इलायची का पाउडर है जिसका हम यूज़ करेंगे। और थोड़ा सा गुलाब जल चाहिए होगा, वो जब हम डालेंगे तो आपको दिखा देंगे। अब ये दूध में हम ये चावल डाल देंगे। और ये चावलों को अच्छी तरीके से हम इसमें गलाएंगे, जब तक ये बिल्कुल अच्छे से मैश ना होने लगे, तब तक ये हमें चलाना है इसको। अभी हमने इसको फुल फ्लेम पर ही रखा है, इसमें इसमें अच्छे से खोल आ जाए। ये देखिए 10 से 15 मिनट हमने इसको जो है पकाया है। अब ये चावल गल गए हैं, इस तरीके से दबा के देख लें, चावल बिल्कुल मैश हो जाना चाहिए। ये जो साइड में इसके लग जाता है दूध, इसको भी थोड़ा थोड़ा करके अंदर कर देना चाहिए, जिससे ये खीर में खूब मलाई आएगी, गाढ़ापन आएगा इससे। अब हम चावलों को मैश करेंगे। इस तरह के जो घोटने वाली मथानी होती है, उससे हम इसको मथेंगे, जिससे इसका चावल बिल्कुल बारीक हो जाए, चावल का दाना नहीं दिखना चाहिए। ये देखिए हम 10 मिनट से इसको मुश्तकिल घोट रहे हैं बराबर से। इस टाइम हमने फ्लेम को भी अब ऑफ कर दिया है। अब इसको बराबर से हम बिल्कुल घोट लेंगे। अगर आपने लखनऊ वाली खीर खाई होगी शादियों की, तो उसमें चावल दिखाई नहीं देता है। बस ये प्रोसेस ठीक से हो जाए तो आपकी खीर बिल्कुल परफेक्ट वैसे ही बन जाएगी। अगर चावल का दाना इसमें दिखेगा तो फिर वो लुक नहीं आएगा इसमें, जो क्रीमी टेक्सचर आता है इसका। थोड़ी देर इसको हम 5 मिनट और इसको मैश करेंगे, फिर उसके बाद दिखाते हैं आपको। ये देखिए अब हमारे ये चावल और दूध बिल्कुल मिक्स हो गया है अच्छे से। अब हम फ्लेम को ऑन कर देते हैं और इसमें ये खोया भी डाल देंगे। इसके साथ इसको मिक्स कर लेंगे खोए के साथ। अब हम इसमें ये जो हमने ज़ाफ़रान भिगोई है इसको डाल देंगे।
अभी हम इसमें ये हाफ शक्कर डालेंगे, आधा कप, आधा कप हमने रोक लिए इसमें। शक्कर डाल के मुस्तकिल इसको चलाते रहें। अब हम इसमें ये आधा कप जो शक्कर हमने रोकी थी ये भी डाल देंगे। अब शक्कर के साथ इसको अच्छे से पक जाने देंगे। शक्कर डालने की वजह से ये फिर से पतली हो गई है। अब हमें शक्कर के साथ इसको पका लेना है और चलाते रहना है जैसे ये बीच में लगे ना, नहीं तो ये नीचे से लग जाएंगी। अब इस टाइम हम इसमें ये जो काजू हमने काटे थे वो डाल देंगे, थोड़े से गार्निश के लिए रोकेंगे। बादाम भी डाल देंगे इसमें, थोड़े से हमने रोक लिए हैं। और ये पिस्ता और जो इलायची पाउडर है वो हम इसमें पूरा डाल देंगे। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं जो पसंद है आपको। वैसे इसमें काजू और पिस्ता तो पड़ता ही है, ज़रूरी है। किशमिश वगैरह अगर आपको पसंद हो तो डालें, नहीं तो किशमिश नहीं डाली जाती है। शक्कर इसमें पक गई है, बस थोड़ी देर इसको हम 5 मिनट और पकाएंगे और गैस ऑफ कर देंगे, इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे। शक्कर आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, बस हमने इसकी फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अभी जब ठंडी होगी तो बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी। फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है, थोड़ा सा हम इसमें गुलाब जल डाल देंगे, बस ये फिनिश हो गई है। ये देखिए इतनी गाढ़ी अभी बनाई है हमने, इसके बाद ही बिल्कुल और भी ठीक हो जाएगी। ये देखिए हमारी खोए की ज़ाफ़रानी खीर रेडी हो गई है। ये लखनऊ की शादियों की शान है, ये लखनऊ की शादियों में ज़रूर बनाई जाती है। और इसमें हमने कोई फूड कलर नहीं डाला है, सिर्फ ज़ाफ़रानी कलर है। अगर आपको कलर ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा सा पीला कलर इसमें डाल सकते हैं। और वैसे ये खाने में तो वही टेस्ट आएगा, बिल्कुल सेम टेस्ट होगा इसका जैसे शादियों में होता है खोए वाली खीर का। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा फेसबुक पेज है, उसे भी लाइक करिए। अल्लाह हाफिज़।